अनुमंडल कार्यालय के सामने महाराजगंज अनुमंडल के अधिवक्ताओं ने धरने पर बैठ गए। बताते चले कि महाराजगंज अधिवक्ता संघ अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू कुमार के खिलाफ धरने पर बैठे। अधिवक्ता संघ ने महाराजगंज अनुमंडल पदाधिकारी पर मिलीभगत करके स्टाम्प की बिक्री करवाने और जब से अनुमंडल में योगदान किए हैं तब से आज तक एक भी दिन कोर्ट नहीं करने की बातें अधिवक्ताओं ने कही। महाराजगंज अनुमंडल अधिवक्ता संघ के सचिव दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इनके कार्यकलाप संदेह में है। राम जानकी पथ को लेकर भी एसडीएम के रवैये को दोषपूर्ण करार दिया। किस मांगों को लेकर के धरने पर आप लोग बैठे हुए हैं? मैं सचिव अधिवक्ता संघ महाराजगंज 20/8/2020 को नए अनुमंडल पदाधिकारी राम बाबू कुमार जी का आगमन हुआ है। 20/8/2020 के बाद से वे अपने चैम्बर से नीचे न्यायालय में नहीं आ सके। लगभग 5 माह हो गया न्याय कार्य से उनको अलग रहे हुए हैं। कई बार अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में उनसे मैंने जाकर बात किया लेकिन न्याय कार्य से भागते रहे। जनता आती है भेंट करने की, हमारी यह समस्या है, किसी समस्या को बेइज्जत करके खेद देते हैं, किसी से मुलाकात नहीं करते हैं। यहाँ के जो वरिष्ठ अधिवक्ता है या नए अधिवक्ता है अपनी समस्याएं उन लोग को लेकर जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं कि नहीं नहीं मिलेंगे किसी से। यह न्यायालय की बात हुई कि 5 माह में एक दिन भी वह न्याय कार्य नहीं किए। फिर एक यहाँ स्टाम्प बेचने वाला एक मनोज कुमार है, मनोज कुमार सिंह नाम का एक वेंडर है, वह मनमानी करता है। 100 रुपया जिस स्टाम्प का दाम है वह 110, 120, 125, 140 जितना इच्छा उतना ले लेता। हम लोगों ने दबाव बनाया कि नहीं 100 का 100 में मिलना चाहिए। वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी उसको गुमटी से निकालकर एक ऑफिस में बैठा दिए कि जो इच्छा है वह तुम करो। फिर राम जानकी पथ बन रहा है तो संघ के नाम से चिट्ठी आया कि उसमें आप लोग सहयोग कीजिए, मैं अपने अध्यक्षताओं को वहाँ भेजा। अब साथ साथ वे वेंडर को भी अपने साथ लेकर चले गए। आज महीनों से यहाँ टिकट नहीं मिल रहा है। 6 ब्लॉक 7 थाना के लोग यहाँ आते हैं और बैठकर चले जाते हैं। कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, टिकट नहीं है, एक आवेदन पर साटने का टिकट नहीं है। और वो स्थानीय वेंडर है, उससे कोई बात करता है तो मारने पीटने खून खराबा पर उतारू हो जाता है। इसकी शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी एएसडीएम जिला पदाधिकारी लोक शिकायत पदाधिकारी सबके यहाँ किया गया कि देखिए टिकट का कालाबाजारी हो रहा है, इसे रोका जाए। हम लोगों ने लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ इस पर मुकदमा किए, एसडीओ के विरुद्ध में टिकट बेचवा रहे हैं और ये कुछ कर नहीं रहे। लेकिन वे भी उनसे मिलकर हम लोगों के आवेदन को खारिज करके सिवान भेज दिया, जो अभी मुकदमा लंबित है, चल रहा है टिकट का। अनुमंडल पदाधिकारी के सामने जहाँ शिविर लग रहा है राम जानकी पथ के लिए, 100 का टिकट लगता है और 350 में एफिडेविट बिक रहा है। उस पर वेलफेयर टिकट भी नहीं लगता है, सिर्फ 100 के टिकट को 350 में एफिडेविट करके इन पदाधिकारियों के नीचे बैठकर बेचा जा रहा है। हम लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं, जनता का पैसा है, आप 100 का टिकट बेच रहे हैं तो 100 में दीजिए और जो किल जा रहे उनका कुछ फीस लीजिए। लेकिन नहीं, 350 रुपया दबंगतापूर्वक मनमानी पूर्वक एसडीओ साहब वसूलवा रहे हैं। इन्हीं कार्यों के लेकर हम लोग आंदोलन बैठे हैं कि जब तक अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज रहेंगे यहाँ कोई सुधार नहीं होगा, कोई सुधार नहीं होगा।
स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस जो है वो महाराजगंज अनुमंडल में रह कर टिकट बेचने के लिए है। और एक मिनट, और वह स्टाम्प वेंडर जो है 100 रुपया का टिकट जो है मनमाना भाव में बेच रहा है और यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर टिकट हम लोगों को नहीं मिल रही है, आम जनता को टिकट नहीं मिल रही है और ये CEO साहब उसको ले जाकर पूरा कैंप में घुमा रहे हैं और वहाँ पर मन जो है अपने इच्छा अनुसार जो है वो टिकट वहाँ पर बेच रहा है और यह आम जनता जो है एफिडेविट के लिए आ रही है, किस फाइल करने के लिए आ रही है, यहाँ पर किस फाइल नहीं हो रहा है और टिकट के अभाव में एफिडेविट नहीं हो रहा है। और कोई काम नहीं, दूसरी बात CEO साहब के आए हुए 8 महीना हो गया, आज तक उनके द्वारा जो है कोर्ट नहीं किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का है, जबकि उनको टिकट मैंने यहाँ पर कोर्ट करना है यहाँ पर और सस्ता सुलभ न्याय जो देना है वहाँ पर 145 की प्रोसीडिंग जो है उनको करना है। बराबर कहते हैं कि 145 हम नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो 44 करेंगे, 44 में भी कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है। तो इन्हीं सब कारणों से हम लोग जो है पहले सूचना देकर हम लोग जो है शांति पूर्वक जो है हड़ताल पर हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी यही मांग है हमारी कि यहाँ पर सही ढंग से जो है कोर्ट चले, टिकट सही रेट में मिले, कोर्ट का काम सही पूर्वक हो, कोर्ट जो हो ऐसे निकम्मा को SDO को हटाया जाए, सीधा इसको हटाए सरकार, दूसरा बढ़िया SDO दे। आज तक वो एक अधिवक्ता से फेस टू फेस बात करने का इसका हिम्मत नहीं हुआ।